हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ईडीआई क्या होता है और दूसरा कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो ईडीआई क्या होता है यानी कि व्हाट इज एन ईडीआई, देखिए इसके नाम से समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मतलब क्या हुआ कि जो डाटा है, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम इंटरचेंज करते हैं यानी कि एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, जो EDI है वो किसी बिजनेस कंपनी में यूज होता है यानी कि B2B ट्रांजेक्शन्स में यूज होता है, या कहीं बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज में यूज होता है यानी कि दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में जब भी कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है वहाँ हम EDI सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा थ्योरी के रूप में से समझते हैं कि EDI क्या होता है। ठीक है, EDI क्या है? EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। सिंपल है, जो EDI है वो एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि जो EDI है वो B2B बिजनेस में यूज होता है। ये एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। कंपनीज यूज EDI सिस्टम्स टू एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बाई कंप्यूटर्स एज पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं या जो मोस्टली आज भी EDI यूज़ हो रहा है वो बड़ी कंपनीज और मीडियम कंपनीज में यूज़ हो रहा है। ठीक है, छोटी कंपनीज में या छोटे बिजनेसिस में कम यूज़ होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, कॉस्ट मतलब इसमें सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कह रहा है कि जो कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं EDI सिस्टम्स, यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं EDI सिस्टम्स टू एक्सचेंज करना अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर्स द्वारा एज पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्या हुआ, जो EDI सिस्टम्स हैं वो B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है यानी कि जो B2B ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें पेपरलेस एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल सिस्टम होता है, इसकी हेल्प से हमारा जो सारा टाइम होता है और टाइम कंज्यूम सारा कम होता है। EDI इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स टू इनेबल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन वाइल मिनिमाइजिंग या कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब सिंपल है, जो EDI क्या है, एक प्रोसेस है फॉर ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो ट्रांसफर करना बिजनेस इंफॉर्मेशन को बिटवीन सिस्टम्स के बीच यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स टू इनेबल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मतलब सिंपल मीनिंग कि ये सिस्टम है इसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और जो ये सिस्टम है वो मिनिमाइज कर देता है ह्यूमन इंटरवेंशन को, यानी कि ह्यूमन इंसानों के यूज़ को कम कर देता है। नेक्स्ट, मैनी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सचेंज यूजिंग EDI। जो EDI सिस्टम है उसके जरिए हम अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, एडवांस शिप नोटिस, कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब जो भी हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी EDI सिस्टम की हेल्प से हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। EDI is used for B2B transactions that occurs on a regular basis to a predetermined format. अब किसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए जो विदाउट EDI, देखिए जो आज जो छोटे बिजनेसिस या जो बिजनेसिस बहुत से होते हैं वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं बिना वो EDI सिस्टम्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए टाइम कैसे कंज्यूम होता है उसमें। इसमें पहले अगर बायर सपोज कोई परचेज करना है तो बायर क्या करेगा, जनरेट करेगा परचेज ऑर्डर, उसको प्रिंट करेगा, फिर उसको सप्लायर के पास भेजेगा, देन सप्लायर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद सप्लायर उसे अपने सिस्टम में गिरकर उससे इनवॉइस जनरेट करेगा, वो इनवॉइस देन बायर के पास भेज देगा, देन बायर क्या करेगा, जो खरीदने वाला है उसको अपने सिस्टम्स में गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है यानी कि काफ़ी डेज लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो इसलिए जो EDI सिस्टम्स आज आए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सक्सेस कर रही हैं, वो EDI सिस्टम्स की हेल्प से उनका जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो EDI सिस्टम्स हैं यानी कि इसमें क्या होता है, जो बायर है वो सिंपल अपना परचेज की जो डिटेल्स है वो EDI सिस्टम्स में करेगा, वो डायरेक्टली सप्लायर तक पहुंच जाएगी और सप्लायर्स के पास अगर वो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट होगा, वो ऑटोमेटिक ही वो बायर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, यानी कि जो इनवॉइस है वो बायर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसमें क्या है कि बहुत ही कम समय यूज़ हो रहा है, यानी कि मुश्किल से एक घंटा या बहुत ही कम समय इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए आज जो है EDI सिस्टम्स काफ़ी यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा हम थ्योरी के रूप में देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा अच्छी तरह समझ जाएं, जैसे कि इन ट्रेडिशनल B2B ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो परचेजर है वो क्या करता है, जनरेट करता है परचेज ऑर्डर, उसको प्रिंट करता है एंड मेल करता है या फैक्स करता है प्रिंटेड परचेज ऑर्डर टू द वेंडर। देन वो जो ऑर्डर है वो वेंडर के पास पहुँचता है, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है,
एंड वेंडर क्या करता है, प्रिपेयर करता है इनवॉइस, उसको प्रिंट करता है और मेल या फैक्स द इनवॉइस टू द परचेजर। तो ये होता है आजकल मोस्टली ट्रेडिशनल B2B ट्रांजेक्शंस में। तो इन सब चीज़ों में, इतने सारे प्रोसेस से, इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। और जो आज के जो बिजनेस सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, जो समय के साथ साथ खुद को अपग्रेड करता रहता है वही सक्सेस कर सकता है। तो यहाँ देखते हैं जो EDI सिस्टम्स हैं उसमें क्या होता है। देखिए, विद EDI सिस्टम्स पेपर डॉक्यूमेंट्स आर एलिमिनेटेड, यानी कि पेपर डॉक्यूमेंट्स तो खत्म ही जाते हैं, एंड ह्यूमन इंटरवेंशन इज मिनिमाइज। और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो इंसानों का दखल है, वो काफ़ी कम हो जाता है। देखिए, इन द सेम ट्रांजेक्शंस द परचेजर सिंपली इनपुट्स द प्रोक्योरमेंट डिटेल्स इनटू हिज कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब जो परचेजर है वो सिंपली क्या करेगा, अपनी प्रोक्योरमेंट डिटेल्स को कंप्यूटर सिस्टम्स में डाल देगा, विच सेंड इट स्ट्रेट टू द वेंडर्स ऑन सिस्टम्स, जो डायरेक्टली वेंडर के सिस्टम्स में पहुँच जाएगी। ठीक है, इसमें कोई फैक्स नहीं करना, कोई ईमेल नहीं करना, या कोई फिजिकल मेल भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो डायरेक्टली पहुँच जाती है। इनवॉइस है इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन द वेंडर्स कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सेंड इट स्ट्रेट बैक टू द परचेजर सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कितना ही सिंपल प्रोसेस है, यानी कि कितना कम टाइम यूज हुआ और कितने कम स्टेप्स यूज हुए, और इंसानों का दखल बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। तो ये जो सिस्टम्स है, काफ़ी इस सिस्टम की हेल्प से अपने बिजनेस को हम बहुत फास्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम कस्टमर्स में ध्यान नहीं देंगे, अपने सिर्फ बार बार अपने परचेज सेल्स पर ध्यान देते रहेंगे, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ये सब इसके ऊपर टाइम कंज्यूम करेंगे, तो हम अपना बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए आज EDI जो सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अब हम ट्रेडिशनली एंड EDI में डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेडिशनली हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे एक्सचेंज करते हैं और EDI के थ्रू कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें हम परचेज ऑर्डर का एग्जांपल देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हम ट्रेडिशनली हम डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं, इसमें कम से कम हमें 3 से 5 दिन का समय लगता है और EDI में हमें समय कम लगता है। और सेकेंड पॉइंट है कि बायर क्या करता है, बाइंग डिसीजन लेता है, क्रिएट करता है परचेज ऑर्डर, उसको प्रिंट करता है। लेकिन EDI में क्या होता है, वो भी सब कुछ सेम करता है लेकिन उसको प्रिंट नहीं करता। बायर मेल्स द परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर। ठीक है, क्या करता है, बायर मेल करता है परचेज ऑर्डर को, इसमें बायर करता है मेल परचेज ऑर्डर को सप्लायर के पास। और इसमें क्या होता है, इसमें बायर कुछ नहीं करता, इसमें EDI सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द परचेज ऑर्डर की। इसमें EDI सॉफ्टवेयर काम करता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट होता है परचेज ऑर्डर का और ट्रांसमिट होता है ऑटोमेटिकली टू द सप्लायर के पास। ठीक है, और फिर ट्रेडिशनली में क्या होता है कि सप्लायर रिसीव करता है परचेज ऑर्डर को एंड एंटर इट टू द ऑर्डर एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसमें सप्लायर रिसीव करता है परचेज ऑर्डर को, और पर इसमें क्या होता है कि इसमें सप्लायर का ऑर्डर एंट्री सिस्टम, सप्लायर का सिस्टम होता है, वो रिसीव करता है ऑर्डर को और सिस्टम को अपडेट करता है इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट। नेक्स्ट, बायर कॉल सप्लायर टू डिटरमाइन इफ परचेज ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। ठीक है, इसमें बायर कॉल करता है सप्लायर को, मतलब पूछने के लिए कि जो परचेज ऑर्डर है वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, या सप्लायर मेल करेगा बायर को, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर का सिस्टम है वो एक ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट कि कन्फर्म, मतलब एक ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट बायर को भेज देगा, उसका पूरा सिस्टम ही काम कर देगा। इसमें सप्लायर को खुद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पूरा सिस्टम ही सब कर देगा। तो इसलिए ट्रेडिशनली में जो है काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और EDI में जो है उसी काम को काफ़ी कम समय में होता है। बट ये जो है ये बड़े बिजनेस के लिए बढ़िया है, छोटे बिजनेस में के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि इसमें मशीनें यूज होती हैं, सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनली डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है छोटे जो नए बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस हैं उनको ये सब EDI का इशारा करने के लिए। और वैसे भी जो छोटे बिजनेस होते हैं वो का एक सप्लायर उनके पास परमानेंटली बंधा नहीं रहता है, वो कभी किसी से ऐसा बेसिकली उनका रहता है। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनका एक मतलब एक सप्लायर से टाई अप हो जाता है, तो इसलिए दोनों आपस में एक EDI सिस्टम वहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें डेली यूजेज में वहाँ EDI मतलब डॉक्यूमेंट को अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करना रहता है। तो वहाँ बड़ी कंपनीज या मीडियम कंपनीज में ये जो सिस्टम है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, EDI में हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जिससे आपका थोड़ा कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। कुछ 3 या 4 बेसिक पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर टू कंप्यूटर। EDI क्या करता है, रिप्लेस करता है पोस्टल मेल, फैक्स एंड ईमेल। लेकिन जबकि देखा जाए कि ईमेल एक ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच,
मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि हम ईडीआई की यूज करें, जबकि ईमेल भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच है, हम ईमेल के जरिए तो हम अपने डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट एक्सचेंज वाया ईमेल मस्ट स्टिल बी हैंडल्ड बाय पीपल रेदर देन कंप्यूटर्स। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो लोगों द्वारा हैंडल हो रहा है, ना कि वो किसी कंप्यूटर्स द्वारा हो रहे हैं। तो हैविंग पीपल इन्वॉल्वमेंट, जहाँ भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्लो डाउन द प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब जहाँ भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ जो प्रोसेसिंग है इस पूरे प्रोसेस को स्लो कर देती है। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस एरर्स, मतलब यह कह रहा है कि जो हम अगर ईमेल भी करेंगे तो वहाँ भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अगर हम फैक्स तो वहाँ फैक्स करेंगे तो पेपर यूज़ हो रहा है, अगर हम ट्रेडिशनल वैसे हम भेजेंगे फिजिकली तो वहाँ ही पेपर टाइम कंज्यूम होगा, और अगर हम टाइम सेव करने के लिए ईमेल करते हैं तो वहाँ भी हमारा जो है स्लो हो जाएगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि वहाँ भी लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, वहाँ भी एरर के चांसेस होते हैं। इंस्टेड ईडीआई डॉक्यूमेंट्स कैन फ्लो स्ट्रेट थ्रू टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द रिसीवर्स कंप्यूटर्स एंड प्रोसेसिंग कैन बिगन इमीडिएटली। समझे, सिंपल है कि इसकी जगह जो ईडीआई डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट जो है सप्लायर के या रिसीवर के डायरेक्ट कंप्यूटर तक पहुँच जाता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मतलब दोनों के कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो दोनों ही कंप्यूटर्स में होता है, और वो डायरेक्ट रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं, अ टिपिकल मैनुअल प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि आपने जैसे हमने बात करी इसे कि फैक्स और ईमेल भी तो कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए, तो इसमें देखिए कैसे टाइम कंज्यूम होगा कि देखिए जनरेट कर रहा है बायर जनरेट परचेज ऑर्डर, तो पहले क्या करेगा बायर परचेज ऑर्डर को जनरेट करेगा, वो उसको मेल या फैक्स करेगा, देन वो सप्लायर तक पहुंचेगा, और सप्लायर क्या करेगा उसको अपने सिस्टम में गिरेगा और उससे एक इन्वॉइस जनरेट करेगा, इसमें भी टाइम कंज्यूम होगा और दूसरा एरर के चांसेस हो सकते हैं, और सप्लायर इसमें खुद अपने सिस्टम में गिर रहा है जिससे टाइम भर रहा है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि उस समय सप्लायर उस समय फ्री ना हो, ठीक है, या फिर इसके लिए एक अलग से आदमी भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट इसमें भी आएगी, या पेपर से फैक्स भेजे तो वहाँ पेपर की कॉस्ट आएगी। ठीक है, देन क्या करेगा सप्लायर इन्वॉइस जनरेट करेगा और वो बायर तक उसे भेज देगा, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसकी जगह अगर हम ईडीआई में देखें तो इसमें नो पेपर एंड नो पीपल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इसमें डायरेक्ट काम हो रहा है और काफ़ी समय इसमें हमारा बच रहा है। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा बिजनेस पार्टनर्स, द एक्सचेंज ऑफ द ईडीआई डॉक्यूमेंट्स इज टिपिकली बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज रेफर टू द बिजनेस पार्टनर्स एज और ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, मतलब ये सिंपल है कि जो ईडीआई है, जो ईडीआई हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम बेसिकली अपने बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं या B2B बिजनेस में यूज़ करते हैं, जो इन्हें हम ट्रेडिंग पार्टनर्स बोल सकते हैं। मतलब थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, दे आर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट टिपिकली एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, मतलब कि हम किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट है हम ईडीआई सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे आते हैं परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस एंड एडवांस शिप नोटिसेस, बट दे आर मैनी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि बिल ऑफ लैंडिंग, कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी तरह का बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम ईडीआई के थ्रू हम अपने बिजनेस पार्टनर्स से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें यह कह रहा है कि बिकॉज ईडीआई डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स रेदर देन ह्यूमंस, अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी यूज सो डैट द कंप्यूटर विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो ईडीआई डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं कंप्यूटर्स द्वारा, ना कि ह्यूमंस द्वारा, तो जिसलिए जो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब कि एक ऐसा फॉर्मेट जो दोनों सिस्टम्स में इंस्टॉल हो, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जो दोनों सिस्टम्स एग्री करते हो, तो हमें एक ऐसे फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सिंपल यही पॉइंट कह रहा है कि ये ईडीआई डॉक्यूमेंट प्रोसेस बाय कंप्यूटर ना कि ह्यूमन द्वारा, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ती है जिससे कंप्यूटर उस डॉक्यूमेंट को रीड कर सके एंड अंडरस्टैंड कर सके डॉक्यूमेंट को। अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्क्राइब व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एंड व्हाट फॉर्मेट। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है। विदाउट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ईच कंपनी वुड सेंड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग इट्स कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ नहीं करेंगे तो हर एक कंपनी क्या करेगी, एक अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट भेजेगी, जिससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो रिसीवर का जो कंप्यूटर है उसको समझ नहीं पाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन प्रॉब्ली डज नॉट अंडरस्टैंड द जैपनीज, यहाँ पे कह रहा है कि जो इंग्लिश बोलने वाला आदमी है वो जैपनीज नहीं समझ सकता, इसी तरह जो रिसीवर का कंप्यूटर है वो नहीं समझ सकता कंपनी के स्पेसिफिक फॉर्मेट को। अब सिंपल मीनिंग है, जो कंपनी अगर किसी फॉर्मेट में भेजेगी अपने कुछ खुद के बनाए फॉर्मेट में भेजेगी, दूसरा कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा, तो इसलिए दोनों कंप्यूटर्स आपस में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिससे वो आपस में
उससे डॉक्यूमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, रीड कर सकें। तो यहाँ पे देखते हैं, देर आर सेवरल EDI स्टैंडर्ड्स इन यूज टूडे, जिसमें इंक्लूड है ANSI, ये मतलब ये सब EDI स्टैंडर्ड आज यूज हो रहे हैं। एंड ईच स्टैंडर्ड देर आर मैनी डिफरेंट वर्जन, मतलब हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक डिफरेंट वर्जन होता है कुछ इस तरीके से। वेन टू बिजनेस डिसाइड टू एक्सचेंज EDI डॉक्यूमेंट्स, दे मस्ट एग्री ऑन द स्पेसिफिक EDI स्टैंडर्ड एंड वर्जन। समझे, जब भी जो दो बिजनेस पार्टनर आपस में EDI के थ्रू डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करेंगे तो वो किसी एक EDI स्टैंडर्ड एंड वर्जन पर एग्री होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिजनेस टिपिकली यूज़ करता है एन EDI ट्रांसलेटर, आइदर इन हाउस सॉफ्टवेयर या वाया EDI सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, टू ट्रांसलेट द EDI फॉर्मेट सो दैट द डाटा कैन बी यूज बाय देयर इंटरनल एप्लीकेशंस एंड दस इनेबल स्टेट टू द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बिजनेस कंपनीज हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स जो कंपनीज बिजनेस करती हैं, वो या तो इन हाउस सॉफ्टवेयर यानी कि खुद से सॉफ्टवेयर बनाएंगी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा, या किसी EDI या थर्ड पार्टी की जो EDI सर्विस देंगे जिससे जो EDI डॉक्यूमेंट्स को हम ट्रांसलेट कर सकें। यहाँ पर कह रहा है टू ट्रांसलेट द EDI डॉक्यूमेंट सो द डाटा कैन बी यूज देयर इंटरनल एप्लीकेशन एंड दस इनेबल स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारा EDI खत्म हो गया है, और आई होप आपको EDI के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।